भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल मोदी सरकार के बीच चल रहे तनातनी के बाद इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी वजहों को बताया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2016 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया था और वह रघुराम राजन की जगह लिए थे। हालांकि केंद्रीय बैंक के निजी मामलों में सरकार के दखलंदाजी को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच कुछ मुद्दों को लेकर सरकार के साथ मतभेदों की खबरें सामने आती रही थी और कयास लगाया जा रहा था कि वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि पटेल ने इस्तीफे में कहा है कि वह व्यक्तिगत वजहों से पद छोड़ने का फैसला किया है। वहीं उर्जित पटेल का कार्यकाल सितंबर 2019 में खत्म होने वाला था। गौरतलब है कि नीति आयोग के सीईओ राजीव कुमार ने पीएम से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।